नमस्कार, डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं भगवत दांगी। इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण खबरों की जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इसमें दिन भर की उन खबरों को शामिल किया गया है जिनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाने की पूरी पूरी संभावना है। आप लोगों की तरफ से लगातार आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब हम हेडलाइंस के स्थान पर कल की पढ़ी गई प्रमुख खबरों को रिवीजन करेंगे, साथ ही खबर के अंत में उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन यानी कि परीक्षा दृष्टि फैक्ट्स भी आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। आपके दिए गए फीडबैक के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आप इसी तरह से हमें फीडबैक देते रहें, हम आपके अनुसार इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के करंट अफेयर की प्रमुख बड़ी खबरों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच दिल्ली में बातचीत के बाद 17 समझौतों पर हस्ताक्षर। सबसे पहले उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने देखा ताजमहल एवं उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद और ताज नगरी आगरा को सिस्टर सिटी बनाए जाने पर भी बातचीत की गई। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमेरिका के जेम्स पी एलिसन को और जापान के तोसुको होंजो को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, लेकिन 70 वर्ष में पहली बार इस वर्ष नहीं दिया जाएगा साहित्य का नोबेल। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष अक्टूबर का पहला सोमवार विश्व आवास दिवस के रूप में नामित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस 4 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहले सम्मेलन और हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों के संगठन के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की टिकाऊ और वहन करने योग्य परिवहन पहल सतत की शुरुआत। यह विकास प्रयास के रूप में किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने की पहल है। श्री राजेश अग्रवाल ने रेलवे बोर्ड में नए सदस्य के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले वह रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री में महाप्रबंधक थे। असम में चाय बागानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में योजना की विधिवत शुरुआत की। हॉकी, बिहार के मोहम्मद मुश्ताक को खेल की राष्ट्रीय संस्था हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। मुश्ताक इससे पहले हॉकी इंडिया के महासचिव के पद पर कार्यरत थे। आईसीसी की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में रोहित शर्मा दूसरे व शिखर धवन पांचवे स्थान पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के शुभारंभ पर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अगले वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ आज ही देश में हो रहा है। आज राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 4 दिन से चल रहे सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 53 देशों के स्वच्छता मंत्री तथा जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे अग्रणी नेता शामिल हैं। इस अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर होने वाले समारोह की शुरुआत के तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। 17 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है तथा कुल सदस्य संख्या 193 है। आर्थर आशकिन, जेरार्ड मोरो और डोना स्क्रिलैंड को दिया जाएगा इस वर्ष का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। भौतिकी क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों की ऐलान मंगलवार को किया गया। इस साल आर्थर आशकिन, जेरार्ड मोरो और डोना स्क्रिलैंड को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए नामित किया गया है। इन वैज्ञानिकों ने लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी की खोज की है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बता दें कि महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए हैं। हर साल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द स्वीडिश एकेडमी, द कोलोरिडा इंस्टीट्यूट एंड द नॉर्जेवियन नोबेल कमेटी द्वारा उन संस्थाओं और लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र,
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इसके तहत हर विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBSAMAR-6 दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। इसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना भाग ले रही है। IBSAMAR का 6वां संस्करण भारतीय, ब्राजीलियाई और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बीच संयुक्त मल्टीनेशनल समुद्री अभ्यास है। दक्षिण अफ्रीका के सिमंस टाउन में आयोजित किया जा रहा है। IBSAMAR का अंतिम संस्करण गोवा में 19 से 26 फरवरी 2016 को आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले नौसेनाओं के लिए सामूहिक प्रशिक्षण करना, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, संयुक्त समझ के परिणाम के साथ साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रोटोरिया कार्यपालिक राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है, जबकि ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति साइरिल रामापोसा है और मुद्रा रैंड है। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित की गई हैं। भारत में जन्मी हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। सुश्री गोपीनाथ ने मॉरिस ऑस्टफेलेंड का स्थान दिया है। सुश्री गोपीनाथ वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टडीज और इकोनॉमिक्स के जॉन एस्ट्रोस्टा प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। 46 वर्षीय गोपीनाथ केरल के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार भी हैं। IMF के बारे में आपको बता दें कि IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसकी CEO क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 189 है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य। स्वच्छ भारत अभियान के 4 साल पूरे होने के मौके पर आज हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ भारत के बारे में प्रधानमंत्री के नाम स्कूली छात्र छात्राओं के लिए लिखे गए 3 सर्वश्रेष्ठ पत्रों को भी पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये पुरस्कार प्रदान किए। सबसे पहले स्कूली बच्चों को उनके उत्कृष्ट पत्रों के लिए पुरस्कृत किया गया। 4वीं कक्षा के छात्र पी संजीव को पहला पुरस्कार दिया गया। हरियाणा के बारे में आपको बता दें कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब की भी राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं एवं हरियाणा के राज्यपाल हाल ही में नियुक्त किए गए सत्यदेव नारायण आर्य हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI सूचना का अधिकार कानून के दायरे में, केंद्रीय सूचना आयोग का कहना। केंद्रीय सूचना आयोग ने निर्देश दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI सूचना का अधिकार कानून की परिधि में आता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि BCCI की देश में लोगों के प्रति जवाबदेही बनती है। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यालय ने BCCI को निर्देश दिया है कि RTI कानून के निर्माण, सूचना के लिए आवेदन पत्र के लिए 15 दिन के भीतर ऑनलाइन और ऑफलाइन तंत्र तैयार करें। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में आपको बता दें, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर हैं। युवा ओलंपिक खेलों में भारत की ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बत्रा ने घोषणा की है कि युवा निशानेबाज मनु भाकर 6 से 18 अक्टूबर के बीच होने वाले 3रा युवा ओलंपिक खेलों में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। भारत का 68 सदस्यीय दल अर्जेंटीना जाएगा। बता दें कि भारतीय दल में 46 खिलाड़ी शामिल हैं। 13 खेलों में चुनौतियों को पेश करेंगे। भाकर ने विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेलों में 10 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीते थे। युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। अर्जेंटीना के बारे में आपको बता दें कि अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसिया मैक्री हैं। अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। हाल ही में अर्जेंटीना को IMF के द्वारा अपने इतिहास का सबसे बड़ा ऋण $57 अरब का ऋण प्रदान किया गया है। एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में मरियप्पन होंगे भारतीय ध्वजवाहक। रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु शनिवार से शुरू हो रहे पैरा एशियाई खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। तीसरे पैरा एशियाई खेल 6 से 13 अक्टूबर तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बोकरांगो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। शनिवार से होने वाले उद्घाटन समारोह में थंगावेलु भारत के 302 सदस्यीय दल की अगुवाई करेंगे। इंडोनेशिया के बारे में आपको बता दें, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशियाई विश्व का सबसे अधिक
मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। अमेरिका और कनाडा के बीच नाफ्टा समझौते को लेकर सहमति बनी। अमेरिका और कनाडा के बीच 30 सितंबर 2018 को नाफ्टा समझौते अर्थात उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सहमति बन गई है। इस समझौते में मेक्सिको भी शामिल किया गया है। नया समझौता यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा संधि करीब 25 साल पुरानी उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संधि नाफ्टा की जगह लेगा। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा मेक्सिको कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ एक व्यापार समझौता है। यह समझौता वर्ष 1994 में प्रभाव में आया था और इसे विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौता भी माना जाता है। यह समझौता अमेरिका कनाडा और मेक्सिको तीन देशों के बीच एक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डील के कारण तीनों देशों के बीच व्यापार और कर नियमों में बड़ी छूट मिलती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। वहीं कनाडा के बारे में आपको जानकारी दें कि कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं जबकि कनाडा की मुद्रा कनाडियाई डॉलर है। मेक्सिको के बारे में जानकारी दें कि मेक्सिको की राजधानी मेक्सिकन सिटी है जबकि मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल हैं। मेक्सिको की मुद्रा मेक्सिकन पीसो है। आज का हमारा करंट अफेयर का सेगमेंट होता है यही समाप्त। आई होप कि आपको ये बदलाव किए गए हैं ये पसंद आएंगे। आज की बात यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।